ये उन दिनों की बात है। महबूब मेरा महबूब मेरा महबूब मेरा महबूब मेरा महबूब मेरे प्यारे समीर, तुम्हारी चिट्ठी मिली शायद 100 बार से भी ज़्यादा पढ़ चुकी हूँ। मैं भी तुम्हारे बिना अकेला महसूस कर रही हूँ। क्लास में होती हूँ तो बार बार नज़र उस बेंच पर जाती है जहाँ तुम बैठा करते थे। कैंटीन में बैठूँ तो लगता है मानो तुम अभी कोल्ड स्पॉट और समोसा हाथ में लेकर अंदर आओगे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है समीर। तुम्हारी याद में तुम्हारी तरह शायरी लिखने की भी कोशिश की। मैंने भी एक शेर लिखा है, चूहा डर के भागता जब बिल्ली आ जाती, पंख मेरे होते तो उड़के मैं दिल्ली आ जाती। यही सोच रहे हो ना कि कितनी बकवास शायरी लिखी है मैंने। हंसी आई ना तुम्हें? बस ऐसे ही मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। तुम्हारी चिट्ठी पढ़ के मुझे ऐसा लगा जैसे तुम कुछ उदास हो। मुझे प्रॉमिस करो तुम कभी भी उदास नहीं होगे। पता है लोचन सर ने एक बार मुझे रोमियो जूलियट वाले नाटक के लिए कुछ लाइनें याद करने के लिए कहा था। उसमें एक लाइन थी जहाँ जूलियट रोमियो से कहती है कि मिलन का असली मज़ा जुदाई के बाद ही आता है। हो सकता है शायद इसलिए भगवान ने हमें जुदा किया हो ताकि हम जुदाई के बाद होने वाले मिलन का मज़ा ले सकें। इसलिए अब से गुस्सा नहीं, क्योंकि गुस्से में तुम्हारी नाक, समझ गए ना? तुम्हारी याद में और तुम्हारे जवाब के इंतजार में, तुम्हारी नैना। पहली बरखा जैसी मीठी पुरवा जैसी स्पर्श तेरा पाया है हो जब जब तुझे गाया है। जैसे ठंडी छाओ वैसे स्पर्श तेरा पाया है ओ जब जब तुझे गाया मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी और नैना की दोस्ती को 1 साल हो गया और ये साल कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। समीर, वो रोहन ने जो तुम्हें पैसे दिए थे फीस के वो जमा करवा दिए और स्कूल भी अच्छे से देख लिया ना? क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें उसी स्कूल में जाना है। समीर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, फीस के पैसे जमा कराए कि नहीं? हाँ, करवा दिया। मम्मी, आसपास कोई सैलून है? सैलून? अरे वाह, तुम दादी की बात मानकर अपने बाल छोटे करवा रहे हो? मैं उनकी बात कभी नहीं मानूंगा, वो तो बस मुझे बाल ट्रिम करवाने थे इसलिए मैंने सोचा कि। देखो समीर, मम्मी सैलून। अच्छा ठीक है, वो पीछे मार्केट में है, रोहन भी अपने बाल वहीं कटवाता है, वो लोग हमें जानते हैं, तुम वहीं जाना, पैसे लेते। नहीं, पैसे हैं मेरे पास, अब मैं जाऊं? अरे मेरी मैया बस आज बचा ले, वो टेंशन हो रही है मुझे। टेंशन तो हो रही है। अरे पता नहीं क्या होगा, कब आएगा। देख रहे ना, बात ऐसी है, समीर की भी टेंशन होनी चाहिए,
लेकिन रिजल्ट की भी तो होनी चाहिए ना भाभी, मतलब नैना होनी चाहिए ना। समीर कितना खुश हो जाएगा ना मुझे अपने सामने देखकर, और तब मैं उसे बताऊंगी कि मुझे पहले से ही पता था कि समीर कब आ रहा है। नैना समीर की दुनिया से बाहर आ जा। और अरे नहीं 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 यार, पूरे स्कूल को पता कि फर्स्ट तो इसी ने आना है, तो समीर की दुनिया में रह। बड़ी बड़ी सांसें ले समीर की दुनिया में। और हम क्या ले? नमस्ते बच्चों, बैठ जाइए। आप लोगों की परीक्षा के रिजल्ट्स आ गए हैं और मैं जानती हूं कि आप लोग भी बहुत उत्साहित हैं अपने अपने रिजल्ट्स जानने के लिए। हाँ जी मैडम। मैं खुद भी बहुत हैरान हूं इस बार के रिजल्ट्स देखकर। मैडम जल्दी जल्दी बताइए ना रिजल्ट। तुझे बड़ा अवार्ड मिलने वाला। चुप। चलिए मैं एक एक करके सबके नाम बुलाऊंगी, आप आके अपने रिजल्ट ले लीजिए। भाई तू क्या लग रहा है, मेरे को बड़ा डर सा। अबे भाई तू आगे देख। कितनी बातें करते हो तुम मुन्ना। डर लग रहा जी। डरने की जरूरत नहीं है। राहुल मेहता, विद्या पटेल, हमारे प्यारे पंडित जी, जा। क्या हुआ जी इसका बताओ सही। और उनके प्रिय सखा मुन्ना जी, ये लीजिए। जल्दी बता क्या हुआ था, जल्दी बता। मुन्ना पंडित, चलो जाओ अपनी जगह पे जाके बैठो। जाओ जगह पे जाके बैठो। मैडम जी पास हो गया मैं। हाँ जाओ बैठो। आजा यार पास हो गए, मजा सारा। बारहवीं में जाएंगे। मैं भी खुश हूँ कि तुम दोनों पास हो गए। मैडम वो सेकंड कौन आया है, क्योंकि फर्स्ट तो हमेशा नैना आती है ना। सेकंड हेमा आई है। हेमा तू सेकंड आई है। मैडम मैं सेकंड आई हूँ। अरे ये सेकंड, अरे तो मुझ में क्या कमी थी। मैडम ये आई है। अरे मैं भी तो आ सकता था। हाँ स्वाति नैना को दे दो जी, वो खुद तो आई नहीं है जी। स्वाति को मैं बाद में दे दूंगी। और इस बार क्लास में फर्स्ट आई है नैना, 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 नै। इस बार नैना फर्स्ट नहीं आई। इस बार दीपाली शाह फर्स्ट आई है। ये क्या हो रहा है मैडम जी, अब की बार ये आई है। और नैना, लगता है नैना 100 में से 101 लाकर लिस्ट से बाहर होगी। हाँ मैडम जी, जब दीपाली के 2 नंबर आए हैं पर नैना के तो उससे ज्यादा नंबर होने चाहिए। आप लोगों को भी मेरी तरह जानकर हैरानी होगी, नैना इस बार तुम फेल हो गई हो। ये कैसे हो गया नैना? वही तो मैं कह रहा हूँ मैडम जी, ऐसे कैसे हो सकता है। देखिए कॉपी गलत चेक हुई है, ये दोबारा से चेक होनी चाहिए मैडम। नहीं मुन्ना। मैडम जी शायद आपने नंबर गलत जोड़े होंगे, नैना कैसे फेल होगी। हाँ यार पंडित, मैंने खुद कॉपी 3 बार चेक करी है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम खुद ही बताओ नैना ये कैसे हो गया, तुम कैसे फेल हो सकती हो। शांति टीचर मुझसे वजह पूछ रही थी फेल होने की, और मुझे तो कुछ सोच ही नहीं रहा था। हैरान सी बस मैं आंखों से आंसू बहाती जा रही थी। अब क्या कहती उनसे कि टीचर टीचर प्यार में पास होने के चक्कर में मैं परीक्षा में फेल हो गई। खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं फेल हो गई हूँ। समीर के प्यार की दीवानगी का ये रिजल्ट होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ भैया जी बताइए क्या करना है। बाल। बाल काटने? काटना नहीं है सिर्फ ट्रिम करना है। हाँ तो बस 5 मिनट बैठिए, बस इनके बाद आपका ही काटते हैं। बैठिए।
ऐसी लड़कियां तो पहले कभी देखी नहीं है। क्या लग रही है यार। ये लड़कियां क्या क्या पोज देकर फोटो खिंचवाती हैं स्टूडियो में आकर। ये फोटो तो साथ लेकर जाऊंगा अपने घर। हाँ भैया जी आइए। बाल काटना नहीं है, सिर्फ ट्रिम करना है। बाल काटने को नहीं बोला था, ट्रिम करने को बोला था। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? हमारे क्या तो लोग बाल कटवाने ही आते हैं और मैंने आपके बाल काट दिया तो आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? लीजिए। अच्छा सुनिए, आज शाम को ना ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा। क्यों, कोई खास बात? हाँ, आज शाम को बच्चों को कहीं बाहर ले जाते ना घूमने। कहाँ पे? इंडिया गेट, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। रोहन और दीपिका ने तो बहुत बार देखा हुआ इंडिया गेट। सीधा सीधा कहो ना कि समीर को इंडिया गेट दिखाना चाहती हो। इसमें कोई गलत बात नहीं है, मगर आजकल माहौल थोड़ा सा इलेक्शंस का है तो इतना सेफ नहीं है। फिर कभी चलेंगे। ठीक है। ये सब तूने जानबूझ के किया ना? सलून वाले को तू बोला था बाल काटने को मेरे? कौन सलून वाला? मैंने जानता किसी। देख सच बताओ ना, इतना मारूंगी। समीर क्या हो रहा है ये? क्या बदतमीजी है? छोड़ो इसे। तू बताएगा क्या है सच? मैंने कहा छोड़ो इसे। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ ये देखी ना, इसने क्या करवाया? अरे इसने क्या करवाया है? हाय कितना सुंदर लग रहा है समीर, है ना विशाखा? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। दादी की बात मान ली ना? मैंने कहा था ना समझदार है समीर। देखा कैसे मेरे एक बार कहने पे बाल छोटे करा लिए। ये सब आपने करवाया ना, जानबूझकर मेरे बाल कटवाए, कि आपसे मेरी खुशी बर्दाश्त होती नहीं है। समीर अपनी हद में रहो, मामा क्यों भेजेंगी केशव को तुम्हारे बालों के चक्कर में? ये ठीक कह रहा है बॉबी, मैंने केशव को भेजा था लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए कि उसे सलून मिला है या नहीं। एक और नया ड्रामा आपको मिलता क्या ये सब करके? हाँ समीर छोटे बड़े का थोड़ा लियाज तो करो। अरे क्या हो गया, थोड़े बाल कट गए तो? चलो मम्मी को सॉरी बोलो। सॉरी नहीं बोलूंगा, और मुझे तो यहां आने नहीं चाहिए था। मैं चाह रहा हूं यहां से। समीर रहने दे विशाखा, बच्चा है ना, अपने आप समझ जाएगा वो। सॉरी। बेहतर है समझ जाए वरना समझाना मुझे अच्छी तरह से आता है इसे। बॉबी रहने दे, मैंने कहा था ना बच्चा है वो। नैना तुम रो मत, देखो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। नैना हम तुम्हारी कॉपी ना रीचेक करवाने की बात जरूर करेंगे, है ना? हाँ। अरे नैना कहाँ जा रही हो? अरे नैना सुनो तो। ओ हो, पड़ाकू लड़की कब से फेलाकू लड़की बन गई? हाँ
भाई इसी बात पे एक शेर अर्ज किया। इरशाद इरशाद, कैसे हो गया ये खेल? वाह कैसे हो गया ये खेल, टीचर की चमची हो गई फेल। किसी पता है मैं पास हो गई पूरे 5% एक्स्ट्रा के साथ। अब तो मम्मी को बताना पड़ेगा कि मैं धीरे धीरे ना नैना की तरह होती जा रही हूँ, क्योंकि वो हमेशा मुझसे कहती है कि मुझे तुझसे कुछ सीखना चाहिए। तू रो रही है? ओ समझ गई, खुशी के आंसू क्योंकि तेरी बहन पास हो गई। ये खुशखबरी ना चीजा जी को भी दे देना। नैना, अरे प्रीति को क्या हुआ है? नैना नैना असल में क्या हुआ? नैना को बोलो, नैना फेल हो गई है। क्या? प्रीति रुको, मत रोको उसे, अब उसकी आंखों के आंसू समीर के आने पर ही रुकेंगे। चले मुन्ना समीर के घर चलते हैं, शायद वो शाम तक आ जाएगा। मुझे भी नंबर दो। मेरा? समीर का। हाँ ठीक। जब वो बाइक पर आता है और उसके बाल हवा में उड़ते हैं, उसे पता भी नहीं चलता और उसके बाल उसकी आंखों पर गिर जाते हैं। जी तो करता है कि हाथ बढ़ाकर उसके बाल ठीक कर दूं। ओ भाई, ये दोनों अभी तक आई क्यों नहीं? इनका तो रिजल्ट आने वाला था ना बेला। कहाँ रह गई? ए हवा भाई इधर। अच्छा तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना, क्या हुआ? वो प्रीति बेटा तू पास तो हो गई ना? हाँ मम्मी। चलो अच्छा है, भगवान झूठ ना बुलाए। वो पुराने बरगद के पास जो हनुमान जी का मंदिर है ना, वहां 100 किलो लड्डू चढ़ाने की मन्नत मांगी थी तेरे पास होने के लिए। नहीं वाह बेला, 125 किलो लड्डू चढ़ाने की मन्नत मानी थी तो 10 किलो लड्डू चढ़ाने की मन्नत मान लेती है। फिर क्या पता तेरी बेटी फर्स्ट नहीं तो सेकंड डिवीजन तो आई जाती। बिल्कुल सही कहा आपने भाभी जी, और ऐसे भी मेरी पिपिया 12वीं में है, है ना? तो मैं ना इस बार 10 किलो लड्डू चढ़ाने की मन्नत मांग लूंगी। हाँ भगवान झूठ ना बुलाए, नैना की पास होने की चिंता तो मुझे कभी रहती नहीं, मुझे तो बस अपने पल्लों की फिक्र होती है कहीं तू फेल ना हो जाए। मम्मी इस बार मैंने बल्कि नैना। क्या क्या गुल खिलाया नैना ने? अब बोलना प्रीति क्या? नैना क्या? वो मम्मी मैं ये कह रही थी कि इस बार मैंने बल्कि नैना आपको रिजल्ट के बारे में बताने वाली थी। भगवान डरा देती है लड़की। तो वो है कहाँ? हर बार की तरह रिजल्ट लेके भटकती हुई आई क्यों नहीं? स्वाति के साथ चाट पार्टी पे गई है। ओ भाई, पहले कम गुल खिलाए थे, क्या अब और नए गुल खिलाने गई है? ये लक्षण है इस लड़की के, घर आना चाहिए रिजल्ट लेके तो सहेलियों के संग गुल छर्रे उड़ा रही है। कितने नंबर आए उसके? मुझे नहीं पता ताई जी। चुत्ती इधर, उसके सर में कितने बाल है ये तक तुझे पता है और तू कह रही कि तुझे नहीं पता है? एक पड़ेगी को। सच्ची नहीं पता ताई जी। आने तो बताती हूँ आज उसको, आज साबित हो जाएगा कि जीत मेरी हुई है या आनंद बाबू की हुई है। हो भाई बेला, इसमें इलायची बहुत कम डाली है, जरा चलो तो इसको दोबारा उबाल के इलायची डाल के दे तो दो मुझे। आए भाभी जी। प्रीति तू बैठ बैठ बैठ, तू पास हो गई ना, आज मैं तेरी मनपसंद सब्जी बनाऊंगी। हाँ
पता नहीं नैना सबसे क्या कहेगी। बस अब बहुत हुआ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तुम घुटता है मेरा यहाँ पर, और मैं जा रहा हूं कभी ना वापस आने के लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.